नमस्कार। हाय दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। मित्रों, आज अपन आज की वीडियो पढ़ने वाले हैं 1 2 3 4 वर्ड्स के मीनिंग। अपन आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है, कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे यूज किया जाए, बोलने में कैसे यूज किया जाए, लिखने में कैसे यूज किया जाए, पढ़ने में कैसे यूज किया जाए, ये आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल महेश कोचिंग बाय महेश इखर के साथ। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन चूज करो, ताकि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल की घंटी बज जाए। इसीलिए ऑल ऑप्शन चूज करके घंटी बजा दो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर भी किया करो, कंजूसी मत किया करो। आप मेरे दोस्त हो ना, हम आपके दोस्त है। मित्रों, that's a how, somehow, anyhow, how to, इस फोर वर्ड के मीनिंग्स आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले अपना भी एक हाउ पे वीडियो हुआ है, how many, how much, इस पे एक वीडियो हुआ है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, ताकि अच्छी इंग्लिश बोल सको, लिख सको, पढ़ सको, समझ सको, ठीक है। That's a how, इसका मतलब है ऐसे ही इसी तरह से कोई भी काम करने को ये काम ऐसे ही किया जाता है, वो काम ऐसे ही किया जाता है, वो ऐसे ही बोलता है, वो ऐसे ही लिखता है, ऐसे ही खाता है, वैसे ही पीता है, वो जो एक्शन रहती है ना उसकी, वो जो काम रहता है, वो कौन सा भी काम हो, वो काम की पद्धत बताने के लिए इस दैट्स अ हाउ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ हाउ आई रोट, इसी तरह से मैंने लिखा, दैट्स अ हाउ आई रोट, इसी तरह से मैंने लिखा, जिस तरह से तूने बोला उसी तरह से मैंने लिखा, इसी तरह से, दैट्स अ हाउ आई रोट, दैट्स अ हाउ दे वर्क, वो लोग इसी तरह से काम करते, वो ऐसे ही काम करते, ऐसे ही, इसी तरह से, या ऐसे ही, वो ऐसे ही काम करते हैं। That's how she spoke, वो ऐसे ही बोलती है, वो ऐसे ही बोलती है, या तो फिर वो इसी तरह से बोलती है, इसी तरह से बात करती है, इसी तरह से वो बोली थी, ठीक है। ये that's how का यूज हुआ। उसके बाद somehow मतलब किसी भी तरह से, इसका सेंस होता है किसी भी तरह, इसकी डेफिनेशन भी है, somehow to say that you don't know or can't know, somehow to say you don't know or can't know how to something was done or will be done, ये इंडिकेट करने के लिए somehow का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल की देख रहे हैं, किसी भी तरह से मैं तुझे मिलने आऊंगा, किसी भी तरह से मैं तुझे गाड़ी लेके दूंगा, किसी भी तरह से कुछ भी हो, किसी भी तरह से मैं तुझे मारूंगा, किसी भी तरह से मैं तुझे प्रपोज करूंगा, किसी भी तरह से मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, वॉट एवर। फॉर एग्जाम्पल, Somehow I will meet you, किसी भी तरह से मैं तुझे मिलूंगा, मैं तुझे मिलूंगा जरूर, किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए मैं तुझे मिलूंगा जरूर, क्या हुआ, Somehow I decided get married with Maya, मतलब मैंने डिसाइड किया कि किसी भी तरह से मैं माया से शादी करूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने ठान लिया, मैंने मान लिया कि किसी भी तरह से मैं माया से शादी करूंगा। एनी हाउ का यूज होता है हर हाल में, चाहे जो भी हो जाए, किसी भी हाल में, इस सेंस के लिए हाउ, एनी हाउ का यूज किया जाता है, एनी हाउ का यूज किया जाता है। इसकी भी डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन, इंडिकेट ए स्टेटमेंट That explains or supports a previous statement. ये indicate करने के लिए some any how का use किया जाता है।
हर हाल में चाहे जो भी हो जाए, हर हाल में चाहे जो भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, चाहे जो भी हो जाए मैं कल स्कूल तो आऊंगा तो आऊंगा, हर हाल में मैं कल मैच खेलने आऊंगा जरूर, हर हाल में कुछ भी हो जाए मैं आऊंगा, मेरी सीट खाली रखना। हाँ मेरे घर में मेरी दादी भी मरी होंगी ना, तो भी मैं कल मैच खेलने आऊंगा, कुछ भी हो जाए हर हाल में हम आएंगे, मेरी सीट खाली रखना। इसी तरह के सेंस में एनी हाउ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनी हाउ आई मस्ट इंस्टिल दैट यू कांट स्टील, कांट यू दैट यू कांट स्टील, दैट यू कांट स्टील, एनी हाउ आई मस्ट इंसिस्ट दैट यू कैन नॉट स्टील। मतलब तू चोरी नहीं कर सकता, चाहे जो भी हो जाए तू चोरी नहीं कर सकता, ऐसा मेरा आग्रह है, ऐसा मेरा इंसिस्ट है कि तू चोरी नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए तू चोरी नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, हर हाल में कुछ भी हो जाए तू चोरी नहीं कर सकता। एनी हाउ इट एग्जाम्पल सेकंड, इट मे रेन टूडे एनी हाउ, इट मे रेन बट एनी हाउ आई शैल गो आउटसाइड, इट मे रेन बट एनी हाउ आई शैल गो आउटसाइड। मतलब बारिश हो सकती है, रेन हो सकती है, फिर भी चाहे जो भी है फिर भी मैं बाहर जाऊंगा। मतलब इसका फिर भी यूज होता है, फिर भी मैं बाहर जाऊंगा, बारिश हो सकती है फिर भी मैं बाहर जाऊंगा, या फिर बारिश तो हो सकती है चाहे जो भी हो जाए फिर भी मैं बाहर जाऊंगा, इस सेंस में यानी हाउ का यूज होता है। हाउ का वीडियो देख लेना, हाउ मतलब कैसा कैसे कैसे होता है, लेकिन इसके साथ टू का यूज किया गया क्योंकि ये एक्शन कोई भी काम को काम बताने के लिए टू का यूज, इसके हाउ के साथ टू का यूज लगा हुआ है एक्शन बताने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई नो हाउ टू टीच यू, आई नो हाउ टू टीच यू, इसके दो अर्थ निकलते, देखो आई नो हाउ टू टीच यू, तुझे कैसे पढ़ाया जाए ये मुझे पता है, आई नो हाउ टू टीच यू, तुझे कैसे पढ़ाया जाए ये मुझे पता है, आई नो हाउ टू टीच यू। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे तुझे मैं पढ़ा सकता, मतलब तुझे आई नो हाउ टू टीच यू, तुझे पढ़ाता हूँ, तुझे कैसे पढ़ाया जाए ये मुझे पता है, ऐसे बोलते शी नोज हाउ टू कुक, उसे खाना बनाना आता है, ऐसा भी बोल सकते हो, या तो फिर खाना कैसे बनाया जाए ये उसे पता है, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसके पहले का वीडियो है हाउ का वो भी देख लेना, वो भी शेयर कर लेना, उसको भी लाइक कर देना, इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके और ऑप्शन चूज करो, घंटी बजाओ, बेल आइकन को प्रेस करके घंटी बजाओ, ताकि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल की घंटी बज जाए। नमस्कार।